हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका टीवी खराब हो जाए, चाहे आपके पास एलसीडी, एलईडी, एंड्रॉयड या 4K किसी भी टाइप का टीवी आपके पास है, और अगर वो टीवी खराब हो जाए तो आपको कहाँ जाना है उसको रिपेयरिंग कराने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पे पूछते रहते हैं कि हमारा टीवी खराब हो चुका है और हमारा जो वारंटी है वो भी खत्म हो चुका है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए इस टीवी को रिपेयरिंग कराने के लिए। तो अगर इसका आप आंसर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए टीवी को रिपेयरिंग कराने के लिए। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दो से तीन चीज बताना चाहूंगा, इसमें से आपको साफ हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने जो टीवी परचेस किया है वो ओरिजिनल टीवी है या असेंबल टीवी है। जैसे कि देख सकते हो मेरे सामने अभी दो टीवी रखा हुआ है, यहाँ पे सैमसंग का 32 इंच टीवी है और ये एलजी का 32 इंच टीवी है। ये दोनों को दोनों क्या है कि ये ओरिजिनल टीवी है, कोई असेंबल टीवी नहीं है। और असेंबल टीवी और ओरिजिनल टीवी के अंदर अंतर क्या है अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए, अगर आपने परचेस किया है एक ओरिजिनल टीवी और वो टीवी मतलब जो वारंटी पीरियड होता है उस वारंटी पीरियड से पहले ही खराब हो चुका है, और वो जो खराब है वो नेचुरली हुआ है, आपने कुछ भी नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये जो पैनल है इसमें से जोर से टूट जाती है या टेबल से गिर जाती है, इसके वजह से भी ये खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आप अगर कोई भी ओरिजिनल कंपनी की तरफ से लोग टेक्नीशियन मंगवाओगे तो आपको बहुत सारे पैसा खर्च होने हो जाएंगे इस टीवी को रिपेयरिंग कराने के लिए। अगर आपका टीवी नेचुरली खराब हुआ है, मतलब आपने कुछ नहीं किया है, आपने यहाँ पे चलते चलते ही ये खराब हो चुका है और आपके पास वारंटी है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जिस टीवी को परचेस किया हो जिस कंपनी का, उस कंपनी के जो टोल फ्री नंबर होता है सर्विस सेंटर में आप कॉल कीजिए। आपको लगभग 15 दिन या 7 दिन के अंदर आपका टीवी रिपेयर करके चला जाएगा। इसमें से क्या होगा, अगर बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसा होता है कि अगर कुछ खराब हो जाता है तो पैसे ले लेता है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपका टीवी वारंटी में है, अगर कुछ भी खराब हो चुका है तो आपको फ्री में वो रिपेयर करके देगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। या अगर आपको जल्दी में रिपेयरिंग कराना है, मतलब अगर किसी कंपनी को आपने कॉल किया है वो कंपनी आपको 7 दिन टाइम लेगा आपके घर पे आने के लिए, और उसके बाद आपको अंदर देखेगा कि आपके टीवी के अंदर क्या खराब हुआ है। अगर कोई भी क्रिटिकल चीज़ हो गया है, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है और वो टेक्नीशियन जो आपने मंगवा मतलब कंपनी की तरफ से आएगा उसके पास अगर नहीं रहेगा तो आपको महीना भी लग सकता है आपको टीवी को ठीक कराने के लिए। तो ये हो गया एक एक बात। और दूसरी बात ऐसा कि अगर आपको जल्दी से रिपेयरिंग करना है 1 या 2 दिन के अंदर, तो आप लोकल मार्केट में जा सकते हो। आप बढ़िया तो है कि अगर आपका टीवी वारंटी पीरियड से एक्सपायर हो चुका है, मान लीजिए ये जो एलजी टीवी है ये 3 साल की वारंटी मिलती है, अगर ये टीवी 3 साल के बाद खराब हुआ है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल टेक्नीशियन के अच्छे टेक्नीशियन के पास जाइए। आपको अच्छे से सारे चीज़ आपको रिपेयर करके मिलेगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका टीवी वारंटी पीरियड से एक्सपायर हो चुका है और इस सिचुएशन में आपने कंपनी की तरफ से कोई भी टेक्नीशियन मंगवा ले लिया है, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि जितने प्राइस के आप टीवी परचेस किया है उससे ज़्यादा आपको खर्चा ले लेंगे। उतना नहीं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टीवी अगर लोकल मार्केट में जाओगे वहाँ पे आपका अगर 3,000 रुपीज़ लगेगा टीवी जो चीज़ है रिपेयरिंग कराने में, और अगर कंपनी की तरफ से लोग आएंगे उसी चीज़ को रिपेयरिंग कराने के लिए आपको 6,000 से 7,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरे जैसे लोगों ही कंपनी के द्वारा भेजा जाता है टीवी रिपेयरिंग कराने के लिए, जो आपको होम डिलीवरी या होम रिपेयरिंग का सर्विस आपको दे देता है।